कोटा में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बाद हॉस्टल संचालकों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले लिया है। वो खुद ही राजीव गांधी नगर और ओल्ड राजीव गांधी नगर की सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। उन्होंने इलाकों में सीसीटीवी से लेकर अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड और एंट्री गेट बनाने की तैयारी कर ली है। हॉस्टल एसोसिएशन भामाशाहों के सहयोग से दोनों क्षेत्रों में 12 गेट लगवाने वाली है। गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। इसके रिजल्ट को देखते हुए अन्य जगह भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं रात में आने जाने के लिए भी एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिससे जो भी गेट के अंदर एंट्री करता है या बाहर निकलता है उस पर नजर बनी रहेगी। इसमें हमने ये पहल इसलिए शुरू करी है कि राजीव गांधी में यह पहल चालू हो गई, इसके बाद हम सरकार से जो है या यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से या नगर निगम से यूआईटी से ये दरखास्त करेंगे कि बाकी जो कॉलोनियां हैं वहां भी बच्चा रह रहा है, क्योंकि कोटा राजीव गांधी में तो बच्चा सिर्फ 18 जा रहे, 1.25 लाख बच्चा तो कोटा के बाकी कॉलोनियों में है।